मुमरा पनवेल हाईवे पर एक अलीशान गजाली ढाबा है, जहां आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और आपको यहां लाजवाब औधी, टर्किश, अरेबियन क्यूजिन, साथ ही स्पेशल डिश में पाए थाल प्लेटर खप्चा, वाइड रेंज ऑफ बेवरेज, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल, किड्स प्ले एरिया, किड्स राइड्स और एम्पल्स ऑफ पार्किंग। साथ ही आप वेडिंग और बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आज ही आए गजाली फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम मुमरा के मेक कंपनी के पास, और आपको बता दें कि यहाँ पर ये ऑफिस है और ऑफिस के पास में ही जो है पेड़ काटा गया है, इसको लेकर जो है अब मुद्दा काफ़ी गर्म हो रहा है। आपको बता दें कि देखेंगे आपकी ये ऑफिस के सामने ही पेड़ था, एक और ये दो और ये तीन और ये चार और एक वो पाँच, यानी कि पांच और एक दीवार से लगकर है। वहाँ पर छह पेड़ यहाँ पर काटे गए थे, जो पूरा जड़ से जो है इसे काट दिया गया है। हालांकि इसे बताया जा रहा है कि कई दिन पहले, यानी एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ही इसे काटा गया था। और उसके अलावा जो है वहाँ पर देखेंगे आप कि छह पेड़ वहाँ पर जो है ऊपर से काट दिया गया था। आज इसकी खबर जो है हमने दिखाई थी दो दिन पहले ही, और उसके बाद मुस्लिम लीग के तमाम जो है पदाधिकारी कार्यकर्ता आज यहाँ पर विजिट किए हैं। क्या बताना चाहेंगे आप, यहाँ पर आए हुए हैं जो पेड़ काटा गया है, पूरा मामला अपने अधिकारियों से भी बात किया है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसा है, पेड़ काटना है ठीक है, लेकिन पेड़ काटने के लिए जो है वो एक एक्ट बना है। एक्ट में ये बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी तरीके का अगर पेड़ काटना है तो आपको जो है वो उसका एप्लीकेशन दिया अगर किसी ने, तो आपको पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसकी देनी पड़ती है। और अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि ये डेंजर है या इसको किसी तरीके का नुकसान होने वाला है इससे दूसरों को, तब ये पेड़ काटा जाता है। वो भी 30 डेज का जो है वो टाइम दिया जाता है, लोकल न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज़ दी जाती है, उसके बाद इसको काटा जाता है, ये प्रोविज़न है ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भाई जब ये पेड़ काटा गया, अगर TMC ने काटा है किसी रीज़न से, तो उसको वर्क ऑर्डर मिलना चाहिए। तो अब जो है सवाल ये बनता है कि क्या TMC के पास जो है इसका वर्क ऑर्डर है? और अगर आप कहते हो कि किसी ने आपको एप्लीकेशन दिया है, तो क्या आपने इसका सर्वे किया, क्या आपने इसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकाला? तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये है कि हमको TMC से लेना है। आज सैटरडे होने के कारण जो है वो विभाग बंद होते हैं, तो मंडे हम लोग इंशाल्लाह इसकी जानकारी के लिए जो है वो वन विभाग में जाएंगे और बाकायदा हम लोग इसकी रिपोर्ट मांगेंगे और वर्क ऑर्डर भी मांगेंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से ये ऑफिस के सामने ही छह पेड़ काटे गए हैं, पूरा जड़ से काट दिया गया है इसे, और जो बाजू के इसके छह पेड़ हैं वो एक वहाँ भी एक पेड़ जड़ से काट दिया गया है, बाकी के पांच पेड़ ऊपर से काटे गए हैं, वो बताया जा रहा है ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। आपने भी बात किया तो क्या बताया अधिकारी? देखिए मैं एक बार बताऊँ, अगर न्यूज़ के माध्यम से हम लोग अगर देखें जिस तरीके से न्यूज़ सामने आई थी, और यहाँ के जो अधिकारी है जो पेड़ काटने आए थे, पेड़ काटने जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये बताया कि ये पेड़ जो है वो कटने के बाद जो है यहाँ पर गाले बनने वाले हैं। अच्छा ठीक है, गाले, यानी इससे साफ इंटेंशन साबित होता है कि पीछे किसका ऑफिस है यहाँ पर, और वो जो है अपने गालों को जो है वो आगे फॉरवर्ड करना चाह रहा है। तो आप ये मैं मुस्लिम लीग की तरफ से ये मैं गारंटी देती हूँ कि किसी ने अगर एक ईंट भी यहाँ पर रखकर दिखाया, तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि आप गलत तरीके से इस काम का अंजाम दे रहे हो, और ये गलत तरीका जो है वो मुस्लिम लीग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ये जो पेनल्टी है इसकी, ये भी उन लोगों पे लगेगी, क्योंकि इन्होंने पेड़ काटा है बिना किसी रीज़न के, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और दूसरी बात ये है कि इसकी एक और पेनल्टी ये होती है कि आपने एक पेड़ काटा तो उसकी जगह आपको दूसरा पेड़ भी लगाना है, ये भी एक्ट बोलता है। तो अभी हम लोग ये भी मांग करेंगे कि जितने पेड़, यानी 12 पेड़ कटे जो इनकी ऑफिस के सामने कटे हैं और यहाँ पर इसके आगे कटे, इसके एवज में आपको हमको जो है वो और 12 पेड़ चाहिए। और दूसरी बात, एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी एक बाईपास के एरिया में आगे जो है एक प्राइवेट प्रीमाइसिस पर जो है ना कटे हुए पेड़ मिले थे, तो वहाँ पर उनको जो है पेनल्टी लगी गई थी इस चीज़ की, और उनसे ना मांग की, क्वेश्चन किया गया था कि आपने जो है वो ये पेड़ क्यों काटा, मतलब उनके प्रेमाइज में मिला। तो आप ये देखिए कि ये जो जिन पूर्व जो आमदार है उनके जो ऑफिस के सामने जो पेड़ कटे हुए, छह पेड़ कटे हुए, तो ये तो क्वेश्चन उनसे भी बनता है कि ये आपके आसपास आपकी जो प्रेमाइज के आगे जो है वो पेड़ कटे हैं, इसके ये किसने काटा, ये सवाल उनसे भी बनता है। तो मैं समझती हूँ कि वन विभाग को, TMC को जो है वो इनको एक
ये देना चाहिए, लेटर देना चाहिए, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई ये पेड़ यहाँ पर से क्यों कटे हुए हैं। मिलने के बाद आप लोगों की भी नींद खुली, आप लोग भी यहाँ पहुँचे, लेकिन इसके अलावा देखा जा रहा है मुंब्रा शहर की और कोई भी ना राजनीतिक पार्टी ना कोई एनजीओ जो एक पेड़ लगाकर सोशल मीडिया में हाय तौबा मचाने वाले लोग हैं और एक पेड़ के फायदे गिनाने वाले लोग हैं, वो 12-12 पेड़ कट जाने पर भी खामोश बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अब उनको नहीं नज़र आ रहा है कि 12 पेड़ कटने से कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान, आप देखिए अब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमको कितनी गर्मी फील हो रही है यहाँ पर। अभी उसी तरीके से आप अगर ना शिलपाटा और कल्याणपाटा के एरिया से अगर आप आते हो, दोनों तरफ जो है वो पेड़ लगे हुए, रात के समय पर आप आओगे तो ठंडी का एहसास होता है, ठंडी लगती गर्मी के मौसम में भी, और अगर दिन के समय आप जाओगे तो आपको धूप लगेगी लेकिन गर्म महसूस नहीं होगा। उसी तरीके से आप जब है ना रेती बंदर से आगे एंटर करते हो, यानी मुंब्रा स्टेशन से एंटर करते हो वहाँ तक शिलपाटा तक, आपको एक गर्मी का, अभी ये देखिए कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 11 बजे भी इतनी गर्मी का एहसास हो रहा है, 10:30-11 बजे मैं यहाँ पर 10 बजे से खड़ी हूँ, इतनी गर्मी का एहसास हो रहा है, यहाँ पर स्किन टैन होती है। बाकी दूसरी और भी, और दूसरी बात ये है कि पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान पहुँच रहा है, दूसरी जो है लोगों के भी नुकसान हो रहा है कि उनको जो ऑक्सीजन की जो सोर्सेज है वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं लोग, और ऑलरेडी इतनी प्रदूषण फैलाई जा रही है, ऑलरेडी जो है हमारे पर व्हीकल्स इतनी ज़्यादा है, प्रदूषण अलग से फैलता है, और उसमें भी आप अगर ऐसे 12 पेड़ काट दोगे तो फिर इसके जिम्मेदार तो आप होगे और इसका भुगतान तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये जो है पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए होता है, तो मेहरबानी करें पेड़ों को ना काटें, बस यही मेरा बोलना है। नहीं, टोटल ऐसे देखा जाए तो 12 पेड़ हो जा रहे हैं, 12 पेड़ कटे हुए, तो इस पर आप कानूनी कार्रवाई वगैरह क्या करवाएंगे? अगर कानून के दायरे में रहकर ये पेड़ों को नहीं काटा गया है, तो अगर अलग ढंग से काटा गया है तो इन पर क्या कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि मंडे के दिन मैं वन विभाग में जाकर ये पता करूंगी कि ये जो है इसका वर्क ऑर्डर निकला था या नहीं निकला था। अगर निकला था, टीएमसी ने निकाली थी, तो क्यों निकाली थी और क्या इसलिए वो प्रोसीजर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्या वो प्रोसीजर फॉलो हुए, और अगर नहीं हुए, किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर ये काम हुए हैं तो इसके ऊपर जो है हम लोग पेनल्टी की मांग करेंगे। और वन विभाग में जो है ऑफिसर जो है गावड़े साहब, उनसे भी मेरी बात हुई इस बारे में, तो वो कह रहे कि हमारे पास जो है इस चीज़ की सफाई है, हमारे पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी है, सब चीज़ है हमारे पास अवेलेबल, तो अब देखेंगे कि वो कितनी सच्चाई है उस बात में, और अगर नहीं हुआ तो पेनल्टी तो ज़रूर लगेगी, जिसके प्रेमाइस के सामने कटे हैं उसकी भी पेनल्टी लगेगी, और जिसने ये कटवाए हैं उसके लिए भी, उसको भी पेनल्टी लगेगी इस बात की। तो आप सोमवार को जो है जाएंगी, मुलाकात करेंगी, अगर उसके बाद कुछ यहाँ पर रहता है तो इन लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी? कानूनी कार्रवाई करें, और जिस तरीके से न्यूज़ के माध्यम से ये समझ में आया है कि यहाँ पर जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि ये पेड़ इसलिए काटे गए क्योंकि यहाँ पर गाले बनने वाले, और दोनों लोगों के अलग 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 बयान थे, दोनों जो गावड़े सर है उनका एक बार कहना है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो है यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, और दूसरे जो थे उनका कहना है कि ये पेड़ यहाँ से उठा के दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट करने की क्या, ये आधे पेड़ कैसे आप शिफ्ट करोगे और ट्रीटमेंट किस बात का करोगे, मतलब आप पेड़ को किसी तरह की बीमारी हुई है और ला करके वापस से इसको सुई धागे से सिलने वाले हो, और इसका छोड़ो 1-1.5 हफ्ते तो पहले जो है वो पूरा जड़ से ही काट दिए, उसको क्या करेंगे? वो जो जड़ से काटे गए तो उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल होता है और उनको पेनल्टी लगती है इस बात की, तो वो तो जरूर उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो इसके ऊपर है ना इसके ऊपर भी कार्रवाई बनती है, और इसके एवज में जो हम लोग 12 पेड़ जो कटे ना इसमें पेड़ भी लगवाएंगे हम लोग और इनके ऊपर पेनल्टी भी दाखिल करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे थे, जिस तरह से हमने आपको खबर दिखाई थी कि 6 पेड़ जो है यहाँ पर ठाणे महानगर पालिका ने काट दिया था, हालांकि उनका कहना है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनके पास इसके सारे वर्क ऑर्डर सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि मंडे को जो है वो मनपा ऑफिस जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे इस संदर्भ में कि आखिर क्या पूरा प्रोसेस करके इस पेड़ इन पेड़ों को काटा गया है या फिर जो है इलीगल तरीके से इन पेड़ों को काटा गया है, इस पर कानूनी कार्रवाई भी करने की बात की जा रही है।